Back friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to explain you trigonometry table. त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, जो कि आपको लगभग क्लास 10th में, 9th में और आगे 12th में भी कुछ जगह आपको ये टेबल काम आती है दोस्तों। तो ये टेबल एक बार आप प्रॉपर इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको कभी भी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने बनाना सीख लिया तो हमेशा आप बना करके काम कर सकते हैं दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करते हुए मैं शुरू करता हूं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाए, तो त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, पहले तो आप देख लेते हैं इसकी वैल्यूज। ये जो आपको वैल्यूज दी है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस सेक ए, इस तरीके से आपने ये तैयार कर लिए। अब इसी ऑर्डर में आप इसको लर्न कर लें। इसको लर्न करने के बाद अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर आप देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फर्स्ट हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक नंबर लेना, 0 से 4 तक नंबर लिए। इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, देन उसका रूट निकालना है। तो 0/4 हुआ, इसका रूट जब निकालते हैं तो 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0, उसका स्क्वायर रूट भी 0 ही हुआ। 1/4, अब दोस्तों ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो 1 का रूट जब निकाला जाएगा तो होगा 1 और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होगा 2। 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट दिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो 1/2 है, 1 का रूट निकालते तो 1 आता है, 2 का रूट निकाल नहीं सकते इसलिए इसको रूट में 2 लिख देना है। रूट 3/4, 3 का रूट भी नहीं निकाला जा सकता इसलिए रूट में 3 लिखाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो हमने इसे लिख दिया 2। 4/4 कट के आ जाता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब आपको कॉस की वैल्यू लेना है। कॉस की वैल्यू लेंगे तो आपको बैक साइड से इसको उल्टा उतार देंगे। लास्ट में 1 लिखा है तो मैंने लिया 1, लास्ट सेकेंड में रूट 3/2 है तो मैंने लिखा रूट 3/2, फिर 45 में ऐसा का ऐसा 1/√2 का 1/√2 और ये पहुंच जाएगा 60 डिग्री में 1/2 और लास्ट में पहुंच जाएगा 0। ये आपकी वैल्यू हो जाती है कॉस, यानी कि साइन की लर्न कर ली तो कॉस का आप इजीली बता सकते हैं। अब हमें बनाना है टेन की वैल्यू, और टेन की वैल्यू बनाने के लिए जो आपके पास साइन की वैल्यू, यहां पर दोस्तों हमें करना क्या है कि इस साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी कि 0/1, तो आंसर आएगा 0, 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करना है। जब किसी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 आता है। अब 1/2 को आप डिवाइड करते हैं कितने से, √3/2 से। यहाँ √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये उल्टा लिखा जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। अब 1/√2 को 1/√2 से जब आप डिवाइड करते हो तो 1/√1 कितना √2, और इसको डिवाइड करना है तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा √2/1, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी 1, इसका आ गया 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो नीचे के 2 से 2 कट जाएगा तो अपना बचेगा √3, और 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आएगा। अब हमें कॉट का लिखना है, तो जो 10 का वैल्यू निकला है उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन कर दें।
यहां जो निकला है इसको उल्टा लिख दो, नॉट डिफाइंड रूट थ्री, वन का वन, वन बाय रूट थ्री इधर गया और जीरो पहुंच गया लास्ट में। अब आपको बनाना सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू बनाएंगे तो हमें क्या करना है कि जो आपका कॉस का वैल्यू इसको आप क्या कर दें, रेसिप्रोकल बना दें इसका, यानी कि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो सपोज वन होता है और इसका रेसिप्रोकल बनाओगे मीन्स उल्टा लिखोगे तो क्या वन बाय वन, फिर भी वन ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे रूट थ्री बाय टू तो आ जाएगा टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट टू बाय वन आएगा, वन लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए रूट टू, वन बाय टू का होगा ओनली टू और इसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा लिखना है, जीरो अपॉन वन है तो आप लिखोगे वन अपॉन जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड। अब आपको कोसेक की वैल्यू बनाना है तो जो सेक का निकला इसको उल्टा नोट डाउन कर दें, फर्स्ट में आ जाएगा नॉट डिफाइंड, सेकंड टू आगे आ जाएगा, फिर रूट टू का रूट टू सेम आएगा, टू बाय रूट थ्री पीछे पहुंचेगा और लास्ट में आ जाएगा वन। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।